हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ज़बरदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसका नाम हमने रखा 9:15 to 9:30 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हमने नाम 9:15 to 9:30 इसलिए रखा क्योंकि मार्केट ओपन होने के 15 मिनट के अंदर ही इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जरिए आपको ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करना है। यानी यहाँ पे हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, मार्केट ओपन होने के साथ ही हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसका आपका एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो चलिए, मार्केट ओपन होने के साथ ही जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका वो निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे आसानी से हम इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो ये जो स्ट्रेटजी है ये गैप अप और गैप डाउन मार्केट में ही अप्लाई होगा। इधर मार्केट आपका गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो तभी इस स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कि जब भी यहाँ पे हमारा गैप अप हो उसके आसपास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है तभी हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और जब भी गैप डाउन हो उसके आसपास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन होना चाहिए तभी हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। यानी गैप अप जो हो वो आपका रेसिस्टेंस लेवल करीब हो और गैप डाउन जो है वो आपका सपोर्ट लेवल के करीब हो। और दूसरा एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आपका गैप अप ओपन होगा उसके साथ अगर ये आपका डेज ओपन इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे आपका ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो यहाँ पे हम इस ट्रेड को और एग्रेसिव तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, हम मार्केट में अर्ली एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम बात करें 23rd of November की, मार्केट यहाँ पे आपका जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ है। हम निफ्टी की बात करें और ये आपका 18,300 का जो क्रूशियल लेवल था इसके ऊपर ओपन हुआ, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और इसके नीचे आ गया। मतलब ये आपका एक ऑप्शंस बैरियर लेवल भी था और इस लेवल को फाइनली क्या काम किया, रेसिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिखा, यानी इसको रेसिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया। यानी ये जो गैप अप ओपन दिया है ये कहाँ पे ओपन हुआ है, गैप अप आपका नियर रेसिस्टेंस के करीब होता हुआ हमें दिखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, डेज ओपन इक्वल टू डेज हाई, यानी ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा दोनों केस में। और उसके बाद हम अगले एक दो कैंडल यानी 9:30 के अंदर, यानी तीसरा कैंडल के आसपास 9:25 के आसपास क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल साइड के ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं या फिर डेज ओपन इक्वल टू डेज हाई बनता है तो हम पहले कैंडल के करीब भी यानी 2-3 मिनट के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा। वैसे जो रियल ट्रेड हमें लेना है यहाँ पे लेना, अगर ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनता है तो हम एग्जैक्टली 18,300 का लेवल ब्रेक होते ही सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो हमारा लगभग 18,330 का वो हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा। और अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो 18,250 और 18,200 ये हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा। और प्राइस देखिए आपका 18,250 यानी पहले टारगेट प्राइस को ये बहुत जल्दी हिट कर दिया, दूसरे टारगेट प्राइस को हिट नहीं किया लेकिन पहले टारगेट प्राइस को हिट करके हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से दे दिया है। और इसके बेसिस पे चाहो तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप 18,300 के पुट ऑप्शंस को भी आप बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगभग आपको 25 to 30 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से आपको मिल जाता है अगर प्राइस आपका 18,250 के लेवल के करीब भी आता। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और यही सेम कंडीशंस अगर आपके किसी ऑप्शंस के चार्ट में भी देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शंस का चार्ट खोला, अगर उस चार्ट में भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है तो आप विदाउट डिलीवरी वाला चार्ट देखे हुए उसके बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट
कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहला सिचुएशन समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। यहाँ पे आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद गैप अप कहाँ पे होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल के करीब होना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ से प्राइस का एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन है नीचे साइड की तरफ जा रहा है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा, इसके आसपास हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल पे आना चाहेंगे और दूसरा एग्जांपल है निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9th of November की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है और ये जो गैप अप ओपन हुआ है आपका कहाँ पे 18,300 करीब, और उस टाइम पे 18,300 का लेवल एक क्रूशियल रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था हमारे सामने। मतलब ये जो गैप अप ओपन हुआ है कहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लेवल करीब। अब यहाँ से हमारे प्राइस का क्या होना चाहिए, रिवर्सल आना चाहिए। अभी हम ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे गया और यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया है। उसके बाद जैसे दूसरा कैंडल क्लोजिंग दिया, इस कैंडल के आसपास लगभग यहाँ पे हम 18,250 के करीब क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का या पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप 18,250 के भी पुट ऑप्शंस के प्रीमियम को बाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर्स में टारगेट प्राइस होगा, पहला आपका होगा 18,200, दूसरा आपका होगा 18,150। इस तरीके से दो टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। और देखिए प्राइस नीचे आके दोनों टारगेट प्राइस को इसने फाइनली हिट कर दिया, यानी यहाँ पे हमें आसानी से 100 पॉइंट का प्रॉफिट कहाँ पे मिल जाता, फ्यूचर्स में मिल जाता, और लगभग 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें ऑप्शंस में भी आसानी से मिलता हुआ दिख जाता। तो इस तरीके से आपको गैप अप मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना, लेकिन जो कंडीशंस मैंने आपको बताया वो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होना जरूरी है। गैप अप मार्केट होना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस के करीब होना चाहिए, और ये जो लेवल है ये आपका ऑप्शंस बैरियर लेवल, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला हम ऑप्शन चेन के जरिए फाइंड कर सकते हैं कि ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी तो हम चार्ट के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ट और ऑप्शन चेन ये दो मेथड है जिसके जरिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को वेरीफाई कर सकते हो, वाकई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है या फिर नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहेंगे। अब अगर इनकेस मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हो तो वहां पे क्या करना चाहिए वो भी हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जबरदस्त आपका गैप डाउन ओपन हुआ है 3rd of November की यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये गैप डाउन ओपन हुआ है कहाँ पे 17,965 के करीब, और यहाँ पे हमारे लिए क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल था वो था आपका 18,000, और गैप अप ओपन होने के साथ ही ये आपका 18,000 के ऊपर चला गया, यानी ये जो सपोर्ट लेवल है इसको रिस्पेक्ट किया है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है वो आपका सपोर्ट लेवल के करीब ओपन हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे कि सपोर्ट लेवल हमें क्या चाहिए, हमें रिवर्सल चाहिए होगा, और यहाँ पे उसके बाद इसी सपोर्ट लेवल करीब से रिवर्सल लिया, फिर हम इस कैंडल पे जो कि आपका 9:30 से पहले होना चाहिए, ये आपका 9:25 के आसपास है। तो जो इस स्ट्रैटेजी का नाम है 9:15 से लेके 9:30 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो हमें 9:30 से पहले हर एक जगह ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर लेना, इसके बाद अगर हो जाता है तो फिर हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लेट हो जाएंगे। यहीं पे अगर आप देख लो, अगर आप 9:30 के बाद ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करते हो तो ऑलरेडी आपने बहुत बड़ा टारगेट प्राइस मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे वो 18,000 के आसपास एंट्री करेंगे और 18,050 हमारा पहला टारगेट प्राइस होगा। तो अगर आप 9:30 के बाद एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा, डेट मीन्स टू 18,060, फिर हमारा एनी आवर स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और टारगेट प्राइस यहाँ बनेगा, फिर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं आएगा। इसलिए हमने इस स्ट्रेटजी का नाम दिया है ताकि आपको समझ में आए कि एंट्री मार्केट में कब करना है। अब देखिए यहाँ पे हम 18,000 के आसपास एंट्री लेंगे, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्लियर कट आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं आसानी से 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाई करके। और ऑल द वे हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, पहला 18,050 और दूसरा होगा 18,100, ऊपर गया है, इस दोनों टारगेट प्राइस को इसने हिट किया, या फिर प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है उसको भी हम टारगेट के रूप में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से हमें फ्यूचर्स में यहाँ से 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा, और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी लगभग हम निफ्टी से आसानी से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये काम आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, अगर कोई एफएनओ स्टॉक्स हो और उसमें अगर ये काम हो रहा है तो ये काम आप कर सकते हैं,
लेकिन जो स्टॉक्स एफएनओ में नहीं है उसमें आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हमने अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं किया, हमने इसको निफ्टी बैंक निफ्टी और एफएनओ स्टॉक्स में बैक टेस्ट किया, वहां पे ये काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिखा है। यहाँ पे हम और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये एग्जाम्पल भी आपका निफ्टी का ही है, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला ही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए लिया क्योंकि इसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना आसान होता है। यहाँ पे भी देखिए प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, ये जो एग्जाम्पल आपका निफ्टी का नहीं है बैंक निफ्टी का है, गैप डाउन ओपन होके ये कहाँ पे आया, 38,500 करीब आया और ये जो लेवल है आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। चार्ट के बेसिस पे भी ये आपका सपोर्ट लेवल है और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे भी ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। जो मेथड है सपोर्ट फाइंड करने का उसके जरिए हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अब क्या चाहिए, यहाँ से हमें प्राइस में रिवर्सल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टेल एट द बॉटम बनाया, दैट मींस टू सेलर्स कमजोर हुआ और उसके बाद जैसे ही प्राइस इसके हाई के ऊपर निकला हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी यहाँ पे जो हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे 38,630 के आसपास यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे। 38,800 पहला होगा, 38,900 और यहाँ पे हम फाइनली 39,000 तक के टारगेट प्राइस के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो देखिए प्राइस आपका ऊपर गया है और ये आसानी से सेम डे 39,000 के लेवल को हिट किया जो कि हमारा फाइनल टारगेट प्राइस था और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, यानी तो ट्रेलिंग एसएल के साथ जो आपका प्रीवियस डे का क्लोज है उसके आसपास भी जा सकते हैं 39,200 तक के टारगेट प्राइस के लिए। तो देखिए कितने आसानी से हम क्या कर रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन मार्केट में इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और न्यूट्रल मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए, फिर आपको ओवरऑल मार्केट में पहला 15 मिनट में कैसे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी अप्लाई करना सिर्फ आपको गैप अप और गैप डाउन मार्केट में ही अप्लाई करना है, कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपके ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल कम हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक और चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया, उस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटेड कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया गया और स्टॉक मार्केट के बारे में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया गया। हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप खुद से ट्रेडिंग डिसीजंस इनिशिएट कर सकते हैं, खुद से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम करियर भी बना सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए और ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करके इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।